बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन क्लास ऑफ थर्ड ईयर। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है वो खेलों की अफादियत से मुतल्लिक है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि खेलों की अफादियत से मुतल्लिक है। इससे पहले मैंने आपको इस्लाम और फिज़िकल एजुकेशन के हवाले से जो है पूरा चैप्टर जो था वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। इसमें नमाज के हवाले से तालीम जिस्मानी की अहमियत, उसके बाद जहाद के हवाले से तालीम जिस्मानी की अहमियत, हज के हवाले से तालीम जिस्मानी की अहमियत, इसके बारे में जो है वो हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आइए अपने आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। खेल की तारीफ लिखें और मौजूदा दौर में खेलों की आफादियत और अहमियत तफसील से तहरीर करें। थर्ड ईयर, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे आप इसके खेलों की अफादियत और अहमियत के बारे में जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें पॉइंट्स हैं। इसी तरह आपने इसको जो है वो हेडिंग देके फिर आगे लिखना है, जिस तरह मैं आपको ये आगे पॉइंट्स जो हैं पढ़ाऊँगी। खेलों की अफादियत को हर ज़माने में तस्लीम किया गया है। जहाँ ज़िंदगी जलवागर है वहाँ खेल भी किसी ना किसी रूप में मौजूद हैं। तमाम मज़हब दुनिया में बच्चे, बूढ़े और जवान किसी ना किसी खेल में दिलचस्पी लेते हैं। अगर छोटा बच्चा लेटा हुआ है और वो अपनी टांगें और बाजू आगे पीछे नहीं मारता तो बीमार और चुस्त समझा जाएगा। पुराने ज़माने में लोग जिस्म को मजबूत बनाने के लिए खेल खेलते थे, ताकि वो किसी जानवर का आसानी के साथ शिकार ना हो जाएं। आजकल खेल की अहमियत कई लिहाज से अहमियत इख्तियार कर गई है। ये मशीनी दौर है, ज़्यादा काम मशीन ही करती है। इससे जिस्मानी काम के बजाय ज़हनी काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इससे टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई है, असाब और असलात कमज़ोर हो चुके हैं, लोगों की सेहत दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। इन तमाम चीज़ों पर काबू पाने के लिए खेल बेहद ज़रूरी हैं। खेल खेलने से असाब असलात मजबूत होते हैं, बीमारियों से बचा जा सकता है, टेंशन दूर हो सकती है। वैसे तो खेलों की अफादियत को जो है वो हर ज़माने में ही तस्लीम किया गया, यानी कि शुरू से ही खेलों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। जहाँ ज़िंदगी जलवागर है वहाँ खेल भी किसी ना किसी रूप में मौजूद हैं। पहले ज़माने में लोग जो हैं वो शिकार की गर्ज से अपने जिस्मों को जो है मज़बूत बनाते थे, ताकि वो किसी जानवर का आसानी के साथ शिकार ना हो सकें। और वक्त गुजरने के साथ साथ खेल जो है उसमें कई जो हैं वो रूप आते गए, और आहिस्ता आहिस्ता मुनज़्ज़म खेलों की शक्ल में वो तब्दील हो गए। तमाम मज़हब दुनिया में जो है वो बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान हों, तो वो किसी न किसी खेल में दिलचस्पी लेते हैं। अगर आप छोटा बच्चा देखती हैं वो लेटा हुआ है, लेकिन अगर वो अपनी टांगें और बाजू नहीं हिला रहा तो वो सुस्त समझा जाता है, बीमार समझा जाता है। पुराने ज़माने में लोग अपने जिस्म को मजबूत बनाने के लिए खेल खेला करते थे, ताकि वो किसी जानवर का आसानी से शिकार ना हो जाए। आजकल खेल की अहमियत कई लिहाज से अहमियत इख्तियार कर गई है। ये मशीनी दौर है, क्योंकि ज़्यादा काम मशीन ही करती है। अगर हम अपने घरों की बात करते हैं तो घरों में भी देखें बहुत ज़्यादा जो है वो मशीनरी आ गई है। पहले लोग ख़ुद से कपड़े वगैरह धोते थे हाथ से, लेकिन अब जो है इस तरह की जदीद जो हैं वो प्लांट्स आ गए हैं कि उसमें जस्ट आपने कपड़े डालने और पानी वगैरह जो है वो सेट कर दिया जाता है, उसके बाद जो है वो कपड़े खुद ब खुद धुल के सूख के जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, सिर्फ आपने डालने और निकालने होते हैं। तो देखिए कितनी ज़्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी आ गई है, मशीनरी ने जगह ले ली है इंसान के काम की मुशक्क़त की जगह पर। तो इसी तरह घर में बेशुमार और भी ऐसी मशीनें हैं जिन्होंने इंसान का काम जो है वो बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। इसी तरह अगर ऑफिस वर्क की बात की जाए तो ऑफ़िस में भी पहले जो है वो लोग ख़ुद लिखा करते थे, यानी कि रिटन वर्क बहुत ज़्यादा होता था। अब इसकी जगह जो है वो कंप्यूटर ने ले लिया, जहाँ एक काम जो है वो घंटों में होता था अब वो मिनटों में हो जाता है। और इस तरह जो है वो रिकॉर्ड रखना जो है वो भी आसान हो गया है। इसलिए जिस्मानी काम की बजाय ज़हनी काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। इसी तरह अगर आप ज़रात की फील्ड में
देखते हैं तो वहाँ पर भी पहले लोग जो थे वो हाथों से गंदम की कटाई या जो चावल की कटाई होती थी वो किया करते थे, लेकिन अब जदीद मशीनरी ने जो है वो इंसान की काम करने की जो सलाहियत कह लें या जो भी उसको जो है वो बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है। अब जो है वो बड़ी बड़ी हार्वेस्टिंग मशीन्स होती हैं जिसके ज़रिए जो है वो कटाई कर ली जाती है और इंसान का काम कम हो गया है। इन तमाम चीज़ों पर काबू पाने के लिए खेल बेहद ज़रूरी है। क्या है कि अगर काम मशीन करेगी, इंसान जो है ज़ाहिर है उस मशीन को चलाने के लिए भी तो दिमाग इस्तेमाल करेगा, तो जहन इस्तेमाल जब होगा तो असाब और अजलाद, असाब यानी कि हमारा नर्व सिस्टम जो कि हमारे दिमाग से मुतलिक है वो, और अजलाद यानी कि मस्कुलर सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। लोगों की सेहत जो है वो दिन ब दिन गिरती जा रही है, यानी कि इंसान की सेहत जो है वो गिर रही है। वजह क्या है? मशीनरी ने जगह ले ली है, टेंशन बढ़ गई है। अब इन तमाम चीज़ों पर हम काबू किस तरह से पा सकते हैं? इन तमाम चीज़ों पर हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेके जो है इन तमाम चीज़ों पर काबू पाया जा सकता है, और इस वजह से खेल बेहद ज़रूरी हैं। अगर हम खेल खेलते हैं तो इससे हमारे असाब असलाद मजबूत होते हैं, बीमारियों से बचा जा सकता है और टेंशन दूर होती है। खेल के मैदान किरदार साजी की बेहतरीन तरबियत गाहें हैं। कॉलेज और स्कूल्स में खेल के मैदान बहुत अहमियत के हामिल हैं। साइंसी दौर में खेलों की अहमियत को देखते हुए हर स्कूल और कॉलेज में खेल के मैदान बनाए जाते हैं। तलबा खेल के मैदान में जो कुछ हासिल करते हैं वो आम जिंदगी में हासिल नहीं कर सकते। आज एक खेल का जो मैदान है वो हमारी किरदार साजी में बेहतरीन जो है वो तरबियत का साबित होता है। आप देखती हैं कि हर स्कूल और हर कॉलेजेस में, जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें खेल के मैदान जो हैं वो ज़रूर बनाए जाते हैं। ये बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं और साइंसी दौर में खेलों को बहुत ही अहमियत दी जा रही है। इस वजह से जो है वो तलबा खेल में दिलचस्पी लेते हैं, और अगर वो कुछ ना कुछ खेल खेलते हैं तो उससे वो बहुत कुछ सीखते हैं, और जो चीज़ें वो खेल के मैदान में सीखते हैं वो आम जिंदगी में हासिल नहीं वो कर सकते। इसके बारे में दो डेफिनेशंस हैं, एक मिस्टर गेटसम की और दूसरी मिस्टर बुचर की। मिस्टर गेटसम कहते हैं कि खेल जो हैं खुशी, इत्मीनान, मुसर्रत और सुकून की खातिर खेलते हैं। हाँ जी, जब हम खेल खेलते हैं तो ज़ाहिर है इससे हमें खुशी मिलती है, मुसर्रत होती है और इत्मीनान भी हासिल होता है, और सुकून की खातिर हम इसको खेलते हैं। मिस्टर बुचर के मुताबिक खेल एक फितरी सरगर्मी है। वो कहते हैं कि खेल हमारी फितरत में शामिल है जिससे खुशी, इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। इन दोनों डेफिनेशंस में एक चीज़ जो है वो बिल्कुल सेम है, वो ये कि जब हम खेल खेलते हैं तो खेल खेलने से खुशी, इत्मीनान और मुसर्रत और सुकून भी मिलता है। खेलों की अफादियत में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जिस्मानी नशोनुमा। खेल अफराद की जिस्मानी नशोनुमा में इजाफे का बायस बनते हैं। जो अफराद खेल में हिस्सा लेते हैं वो आम अफराद की नस्बत ज़्यादा मजबूत होते हैं, और इनके जिस्म जो हैं वो भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। जो तालिबे इल्म खेल में हिस्सा लेते हैं इनकी जिस्मानी नशोनुमा तेज़ी से होती है और दूसरे तालिबे इल्म से मुनफरिद नज़र आते हैं। हाँ जी, खेलों में जो लोग हिस्सा लेते हैं उनकी अफादियत और अहमियत में पहला ही पॉइंट ये है कि इससे जिस्मानी नशोनुमा बड़ी अच्छी होती है। खेल में जब अफराद जो हैं वो हिस्सा लेते हैं तो इससे उनके अंदर जितने भी सिस्टम काम कर रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, और जब बॉडी के सिस्टम ठीक तरीके से काम करेंगे तो वो शख्स जो है वो मजबूत जिस्म का मालिक होगा। और तालिबे इल्म है अगर वो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, वो गेम खेलते हैं, तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनसे उनके जिस्म जो हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं और वो उनसे जो है वो मुनफरिद नज़र आते हैं। नंबर दो पर है ज़हनी नशोनुमा। खेल अफराद की ज़हनी नशोनुमा में इजाफे का बायस बनते हैं। जो अफराद खेल में हिस्सा लेते हैं इनका जहन तेज़ी से काम करता है और वो चुस्त और होशियार हो जाते हैं। खेल में जहनी वर्जिश होती रहती है। मसलन फुटबॉल के खेल में एक फ़र्द के पास बॉल है, वो जहन से सोचेगा कि मैंने पास किसको देना है और बॉल लेके खुद आगे जाना है,
इससे इसके जहन की बेहतरीन वर्जिश होती है, इसलिए खेल जहनी नशोनुमा का बेहतरीन जरिया है। हाँ जी, खेल जो है वो जहनी नशोनुमा का बेहतरीन जरिया है। जब अफराद खेल में हिस्सा लेते हैं तो इनकी सोचने समझने की सलाहियत जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनमें काम करने की सलाहियत जो है वो ज़्यादा होती है। वो एक चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि खेल में उन्होंने ये सोचना है कि जो फुटबॉल का मैच है तो उन्होंने पास किसको देना है, या वो बॉल को ख़ुद आगे लेकर जाए तो इससे पास हो सकता है। तो इससे जो है वो जहन की बेहतरीन एक्सरसाइज होती है, इसलिए खेल जहनी नशोनुमा का बेहतरीन जरिया है। फारग औकात का सही इस्तेमाल, खेल फारग औकात का बेहतरीन सरफ है आजकल के मशीनी दौर में। अगरचे एक फ़र्द के पास काफ़ी वक्त बच जाता है और अगर वो इस फारग वक्त का कुछ हिस्सा खेल को दे दे तो वो जहनी तौर पर सुकून हासिल कर लेगा और काफ़ी हद तक बुराइयों से बचा रहेगा। हाँ जी, फिज़िकल एजुकेशन में जो है मुख्तलिफ किस्म की आप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इंसान जो है उसके पास मशीनी दौर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाता है। तो इस काफ़ी बचे हुए टाइम को उसे चाहिए कि वो सही चीज़ों में इस्तेमाल करे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो स्पोर्ट्स को दे। अगर वो स्पोर्ट्स को देगा तो काफ़ी हद तक जो है उसके फारिग वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल हो जाएगा और इससे वो बुराइयों से भी बचा रहेगा। बेहतरीन कायदाना सलाहियत का पैदा होना, खेल अफराद में बेहतरीन कायदाना सलाहियत का बायस बनते हैं। खेल खेलने से कायदाना सलाहियतें जो हैं वो उभर कर सामने आती हैं। जो अफराद खेल में हिस्सा लेते हैं वो आम अफराद की निस्बत अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो उनमें बेहतरीन कायदाना सलाहियतें पैदा होती हैं। आप देखते हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो बिल्कुल ही नहीं बोल रहा, लेकिन उसे हम गेम्स में लेके आते हैं, उसे हम मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स में पार्टिसिपेट करने को कहते हैं और हो सकता है उसके अंदर बेशुमार साहित्य मौजूद हों लेकिन वो छुपी हुई हों, और जैसे ही उसे इस फील्ड में लेके आया जाता है तो उसके अंदर जो खेल के हवाले से कायदाना सलाहियतें होती हैं वो भर कर सामने आती हैं। और हो सकता है पहले वो बच्चा बहुत शाय हो, वो बात ही ना करता हो, लेकिन गेम्स में आने के बाद उसकी गुफ्तगू करने का अंदाज़ जो है वो बेहतरीन हो जाता है। नंबर 5 पर है कामती नकायस का दूर होना। खेल कामती नकायस को दूर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। खेल खेलने से एक तो कामती नकायस पैदा ही नहीं होते, बल्कि अगर किसी फ़र्द की कामत में कोई नक्स है, मसलन गोल कंधे, खाली कमर, कंधों में टेढ़ापन है, तो ये नक्स जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियों में हिस्सा लेने से दूर हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि कामती नकायस की दो इकसाम हैं। एक जो है वो पैदाइशी तौर पर बच्चों में नक्स होता है, और दूसरा जो है वो मसलन इस तरह का नक्स होता है जैसे कि कोई हादसा या कोई एक्सीडेंट होता है तो उस सूरत में वो नक्स जो है वो पैदा हो जाता है। तो इन दोनों किस्म के जो नकायस हैं इनको दूर हम जो है फिज़िकल एजुकेशन की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके इनको दूर कर सकते हैं। जिमनास्टिक की बहुत सी एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जिनमें हिस्सा लेने से ये जो हैं वो दूर हो सकते हैं। माशर्ती मसाइल का हल, खेलों में हिस्सा लेने से जो है माशर्ती मसाइल का हल भी हमें मिल जाता है। बहुत से माशरे के ऐसे मसाइल होते हैं जिनको खेलों में हिस्सा लेने से उनके कवानीन की आगाही हासिल होने की वजह से हम उनको जो है वो दूर कर सकते हैं। फिर है नंबर सिक्स है मशरती मसाइल का हल। मशरती मसाइल खेल मशरती मसाइल का हल है क्योंकि खेल ही खेल में कवानीन का एहतराम लाजमी हो जाता है और इन्हीं कवानीन का एहतराम इसे आम जिंदगी में भी जो है वो कवानीन से आगाही देता है। एक बच्चा जब किसी खेल में हिस्सा लेता है तो वो अपने उस्ताद को ही अपना सब कुछ समझता है और उस्ताद को हर चीज़ पता हो सकता है। वो वालदैन के ख़िलाफ़ बाज़ औक़ात से कोई शिकायत हो तो वो भी उस्ताद से शेयर करता है, तो फिर उस्ताद जो है उसे जो है वो बेहतरीन तरीके से समझाता है और वालदैन की इज़्ज़त करना समझाएगा कि हमें वालदैन की किस तरह से इज़्ज़त करनी है, और इस तरह माशरे के मसाइल जो हैं वो भी कम हो जाएंगे। क़ुव्वत बर्दाश्त में इजाफ़ा, खेल के दौरान क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा होती है। खेल के मैदान में जब एक खिलाड़ी किसी पर फाउल करता है या फाउल उसके ख़िलाफ़ होता है तो उसको बर्दाश्त करना पड़ता है,
और वो कोई फाउल नहीं खेलता, लेकिन रेफरी इसके ख़िलाफ़ फाउल दे देता है तो उससे गुस्सा आता है, लेकिन वो बर्दाश्त करता है। और यही कुव्वत बर्दाश्त इसको आम जिंदगी में भी मदद देती है। हाँ जी, कुव्वत बर्दाश्त जो है ये बहुत ही अहम चीज़ है, और स्पोर्ट्स के मैदान में कुव्वत बर्दाश्त जो है वो बहुत ज़्यादा एक प्लेयर में, एक एथलीट में पैदा होती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि क्रिकेट का मैच अगर हो रहा हो, और स्पेशली पाकिस्तान भारत का मैच हो रहा है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर प्लेयर जो है, एक बैट्समैन जो खेल रहा होता है वो नॉट आउट होता है, लेकिन अगर फर्स्ट एम्पायर जो कि ग्राउंड के अंदर खड़ा होता है वो आउट दे दे, तो फिर उस प्लेयर को जो है वो खामोशी से बाहर चले जाना चाहिए। और आप देखते हैं ऐसा ही होता है। और पीछे जो है आजकल जो जाहिर है जदीद मशीनरी का दौर है, और वो साथ साथ टीवी पर भी दिखा भी रहे होते हैं कि ये जो है वो नॉट आउट था। इसके बाद वहाँ पर जो है वो कमेंट्री कर रहे होते हैं, वो भी बताते हैं कि ये जो है वो नॉट आउट था, लेकिन जाहिर है वो आउट एम्पायर ने दे दिया, तो फिर वो जो है वो आउट हो जाता है। यानी कि इस लेवल पर जाकर भी इतने बड़े फाउल को जो है वो बर्दाश्त करते हैं, हालांकि उसने वो फाउल नहीं किया होता, तो इसको गुस्सा आता है लेकिन वो उसको बर्दाश्त करता है। और यही कुव्वत बर्दाश्त इसको आम जिंदगी में भी जो है वो मदद देती है। बीमारियों से बचाव, खेल बीमारियों से बचाव का बायस बनते हैं। जो अफराद खेल में हिस्सा लेते हैं इनमें कुव्वत मुदाफ़ ज़्यादा होती है, इनके जिस्म के अंदर जितने भी निज़ाम हैं वो बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। मसलन निज़ाम हज़म है, निज़ाम तनफ़ुस वगैरह हैं। इन जब इन पर किसी बीमारी का हमला होता है तो बेहतर कुव्वत मुदाफ़ की वजह से जरासीमों का खात्मा हो जाता है और बीमारी से वो बचे रहते हैं। हाँ जी, बीमारियों से जो बचाव है वो बेहद ज़रूरी है, और इससे जो है फिज़िकल एजुकेशन की एक्टिविटीज़ में अगर पार्टिसिपेट किया जाता है, गेम्स की जाती हैं, एक्सरसाइज की जाती हैं, तो इससे निज़ाम निज़ाम और निज़ाम तनफ़ुस जो हैं वो बेहतर होते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम काम कर रहे होते हैं वो बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर हम फिज़िकल एजुकेशन की सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं तो हम मुख्य बीमारियों से बच सकते हैं। वक्त का पाबंद होना, खेल एक फ़र्द को वक्त का पाबंद भी बना देते हैं। खेल जो है उसका टाइम मुकर्रर होता है, और जो लोग खेल में हिस्सा लेते हैं वो वक्त पर मैदान में पहुँचते हैं, और वो वक्त की पाबंदी नहीं करते तो इन्हें खेल से महरूम होना पड़ता है। और यही खेल की पाबंदी लाजमी है, और इसको आम जिंदगी में भी लाजमी तौर पर इख्तियार किया जाता है। हाँ जी, वक्त का पाबंद जो है, गेम्स हमें किस तरह से वक्त का पाबंद बनाती हैं, वो इस तरह से कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो खेल हैं वो हमें जो है वक्त की पाबंदी सिखाते हैं, जिसमें मुनज़्ज़म खेल आते हैं, जिनके प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन होते हैं। और जब भी कोई मैच होता है तो उसका प्रॉपर जो है वो एक शेड्यूल जो है वो छपता है, जिसमें उसके दिन और मुकाबला शुरू होने की जगह और उस मैच के तमाम रूल्स जो हैं वो लिखे होते हैं। इवन कि उसमें दोनों टीम्स के कैप्टन्स के नाम और टीम्स के नाम भी होते हैं, जहाँ पर मैच होना है उस जगह का नाम भी मेंशन होता है, और दोनों टीमों को इसके बारे में बता दिया जाता है। लेकिन अगर कोई टीम वहाँ पर नहीं पहुँच पाती तो दूसरी टीम को वॉक ओवर दे के विनर करार दे दिया जाता है। तो इस तरह एक टीम बग़ैर खेले ही जो कि टाइम पर पहुंची होती है वो जीत जाती है, और दूसरी टीम लेट आने की वजह से वो मैच हार जाती है, चाहे वो टीम कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। तो एक देखें, एक मैच जो है वो किस तरह वक्त की पाबंदी सिखाता है, और यही चीज़ जो है वो फिर अपनी आने वाली आइंदा ज़िंदगी में भी इसको इख्तियार करता है, और वो वक्त का पाबंद हो जाता है। समाजी ताल्लुकात, खेल समाजी ताल्लुकात में इजाफे का बायस बनते हैं। खेलों में हिस्सा लेने से मुख्तलिफ अफराद से वास्ता पड़ता है और इनसे ताल्लुकात बढ़ते हैं। मसलन ओलंपिक गेम्स में एक गांव आबाद है जिसमें सब खिलाड़ी रहायश पज़ीर होते हैं, और वहां से वो एक दूसरे से मिलते हैं, और इस तरह इनमें ताल्लुकात बढ़ते रहते हैं। और खेलों को जो है वो कंप्लीट करने के बाद ये ताल्लुकात फिर जो है वो मौजूद रहते हैं। हाँ जी, समाजी ताल्लुकात भी बेहद ज़रूरी हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ गेम्स में हिस्सा लेने से ज़्यादा तो बेहतर तौर पर जो है उभर कर सामने आते हैं। जैसे कि ओलंपिक गेम्स हैं तो उसमें एक पूरा गांव आबाद होता है, जगह जगह से, यानी कि शहर, हर शहर से, हर कंट्री से वहाँ पर लोग आए हुए होते हैं, और इस तरह उन लोगों में दोस्तियाँ होती हैं, और ये फिर जो है फ्रेंडशिप ना सिर्फ
खेल के मैदान में, बल्कि जब खेल ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद भी ये कायम रहते हैं। ये तो था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कल इंशाल्लाह ताला अपने नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।